आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। स्पॉन्सर बाय जी इंटीरियर पटना। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज पर क्राइम इन कैमरा एपिसोड। और आज के इस एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं और अपडेट भी करेंगे कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में थे दरभंगा ब्लास्ट के आरोपित सलीम, नसीर और इमरान। दरअसल पिछले एपिसोड में भी हम आपको बताते रहे और पल पल की अपडेट से अवगत कराते रहे हैं कि दरभंगा स्टेशन पर पार्सल बम ब्लास्ट मामले में हैदराबाद से गिरफ्तार नसीर और इमरान को दूसरी बार रिमांड पर लेकर NIA पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो दोनों की निशानदेही पर हैदराबाद, पूर्वी दिल्ली से लेकर यूपी में कई जगह NIA ने जांच की है। दोनों का कनेक्शन लश्कर और ISI से है। NIA को इसके पुख्ता साक्ष्य भी मिले हैं। देश में छिपे ISI के कुछ एजेंट भी इमरान और नसीर के लगातार संपर्क में थे। NIA दोनों से पूछताछ करके उनके ठिकाने तक पहुंचने में जुटी हुई है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में NIA के इनपुट पर यूपी ATS भी अलर्ट हो गई थी। इसी बीच ATS की टीम ने रविवार को लखनऊ में कार्रवाई करते हुए अलकायदा के दो आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया था। अलकायदा आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी में अलर्ट कर दिया गया। दरभंगा ब्लास्ट मामले में चारों आतंकियों को गिरफ्तारी के बाद लखनऊ में अलकायदा के दो आतंकियों की गिरफ्तारी सिर्फ एक संयोग नहीं थी। दरभंगा स्टेशन के पार्सल में ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कैराना का सलीम था। सूत्रों की माने तो उसकी पाकिस्तान में बैठे ISI संपर्क से रोजाना बातचीत होती थी। वह इतना शातिर था कि दिखाने के लिए साधारण मोबाइल ही रखता था ताकि किसी को संदेह न हो सके। ब्लास्ट से पहले कपड़ों की पोटली का एक फोटो सलीम ने अपने दोस्त के मोबाइल से भेजा था। ब्लास्ट की पूरी साजिश सलीम ने रची और तेलंगाना तक अपना जाल फैलाया था। इनकी निशानदेही पर तेलंगाना से भी दो संदिग्ध पकड़े गए। अब देखना यह है कि इन आरोपियों से पूछताछ में और क्या क्या खुलासा होता है। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें टीडी न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस न करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।